बिहार में एक कहावत है, खेलब न खेले देम खेलवे बिगाड़ देम। और ये कहावत बहुत अच्छी तरह से फिट बैठ रहा है अभी जो चल रहा है, जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या सही में उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ और उनकी पार्टी RLJD के साथ हो गया क्या खेला। ये कहावत उनके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से फिट बैठता है। और वो कहावत कैसे अच्छी तरह से फिट बैठता है, उसके पीछे मेरे पास ये दो कागज है और ये दोनों कागज आधिकारिक रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कागज है। अब ये क्यों लग रहा है हमें कि बीजेपी ने खेला बिगाड़ दिया है RLSP को और कुशवाहा जी का, उसके पीछे हम अभी आपको इस वीडियो में यही बताएंगे। कारण ये है कि आपको भी पता है कि पिछले साल फरवरी 2023 में नई पार्टी RLJD राष्ट्रीय लोक जनता दल बना था, कुशवाहा जी ने बनाया था उसको, लेकिन वो पार्टी आज तक रजिस्ट्रेशन उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नज़र में नहीं हुआ है। वो पार्टी आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करती है इलेक्शन कमीशन की नज़र में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन, चाहे वो 2 हफ्ता लगे या 3 हफ्ता लगे, मैक्सिमम 3 हफ्ता होते होते लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी करने वाली है। उसके बाद फिर सिंबल उनको मिल भी नहीं सकता है और पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो नहीं सकता है उसके बाद। और हमें जो सूत्रों से पता चला है वो लगे हुए हैं कुशवाहा जी पार्टी का रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया खत्म करने में। हालांकि 1 साल से चल रहा है, इतना लंबा समय लगना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है और पूरी उम्मीद है कि नहीं होगा। और कुशवाहा जी के पार्टी के लोगों को ये आशंका भी है कि हो सकता है कि इनका पार्टी का रजिस्ट्रेशन इस चुनाव से पहले नहीं हो पूरा। तो अगर इनका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होता है तो फिर खेला कैसे हुआ? खेला ऐसे हुआ कि कुशवाहा जी कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए से ये चुनाव भी लड़ना चाहती है, एनडीए इनको टिकट भी देगी, लेकिन टिकट किस पार्टी के आधार पर देगी जब पार्टी ही नहीं एग्जिस्ट करती है? तो फिर ऑप्शन बचता है दो, बीजेपी और JDU की नज़र में ऑप्शन दो बचता है, या तो बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़े, या नहीं तो फिर नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि कुशवाहा जी JDU के सिंबल पर चुनाव लड़े। और ये भी गलियारे में, पटना के गलियारे में इसके बारे में खूब चर्चा चल रही है कि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि जो राष्ट्रीय लोक जनता दल है कुशवाहा जी, वो JDU का हिस्सा बन जाए, फिर से उनको मर्ज कर जाए और JDU की तरफ से चुनाव लड़े। और ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुशवाहा जी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, जो कि अभी नीतीश कुमार हैं। तो ये सारी संभावनाओं के बीच JDU नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो और वो फिर से जिंदा हो, अपने सिंबल पे चुनाव लड़े। और बीजेपी भी नहीं चाहती है, बीजेपी चाहेगी कि उनकी पार्टी से वो लड़ ले, क्योंकि आपको भी पता है कि 1 साल समय हो गया, यही फरवरी में इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था और उसके पहले से ही ये इसके फॉर्मेशन में लगे हुए थे। इसका रिकॉग्नाइजेशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्होंने एप्लीकेशन उसके 1 साल पहले ही दे रखा है, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। मैक्सिमम 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर हो जाना चाहिए ये काम, लेकिन पिछले 12-13 महीनों से ये काम नहीं हुआ है। तो इसके पीछे एक मनसा है, बीजेपी अगर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है तो मजबूरन कुशवाहा जी को बीजेपी से लड़ना पड़ेगा या JDU से लड़ना पड़ेगा इलेक्शन, ये बीजेपी को लगता है। क्योंकि वो अगर बीजेपी या JDU से लड़ेंगे तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा, वो कहीं इधर उधर भाग नहीं पाएंगे। अगर अपनी पार्टी से लड़ेंगे तो कहीं भी भाग सकते हैं। अब JDU क्यों ऐसा चाहती है? JDU के ऐसा चाहने के पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो कुशवाहा जी हमेशा JDU से जुड़े रहे हैं और JDU अब चाहती है ललन सिंह के जाने के बाद, जाने का मतलब कि प्रेजिडेंटशिप उनका जाने के बाद, कहीं ना कहीं JDU अब उनको करीबी बनाना चाहती है कुशवाहा जी को, और एक कुशवाहा चेहरा भी उन्हें चाहिए था। तो JDU चाहती है कि JDU के सीट से ही वो लड़े। और मैंने भी एक पिछले वीडियो में कहा था कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कुशवाहा जी हो सकता है कि JDU में मर्ज भी कर जाए, हो सकता है कि JDU का उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाए, लेकिन ये सब नेगोशिएशन करने के लिए उनकी पार्टी का होना ज़रूरी है, किन शर्तों पर ये मर्ज होगा या वो JDU में आएंगे। तो JDU के भी इंटरेस्ट में भी है कि ये इस पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिले और JDU के टिकट पे वो चुनाव लड़े। अब इसमें ये खेला तो है, लेकिन इसमें एक तीसरा भी खेला है जिस खेले की तरफ शायद बीजेपी और JDU नहीं देख रही है, और वो खेला है इन दो दस्तावेजों में। लेटेस्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा अपडेट करते रहती है कि किस किस पार्टी, कौन कौन सी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है, उसका लिस्ट जारी करती रहती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2-3 तरह की लिस्ट जारी करती है, एक पार्टी जो कि नेशनल पार्टी है, दूसरी स्टेट पार्टी है, तीसरी जो रिकॉग्नाइज्ड तो है
लेकिन वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। तीसरी एक और कैटेगरी होती है जो कि अनरिकॉग्नाइज पार्टियां नहीं होती है, वो इलेक्शन के टाइम पे वो सिंबल एक तरह से निर्दलीय होते हैं लेकिन उनके नाम के पीछे नाम लगा हुआ होता है। तो ये जो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 15 मई 2023 को रिलीज किया गया था। और ध्यान रखिएगा 15 मई 2023 ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फरवरी में ही कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हो चुका था और कायदे से देखें तो 2-3 महीने के अंदर इनका रिकॉग्नाइजेशन हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हालांकि आज भी मेरी बात हुई इनके पार्टी के एक सदस्य थे, तो ये है कि हफ्ते दो हफ्ते 10 दिन में, इनका दावा था कि 10 दिन के अंदर पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो शायद बीजेपी और जेडीयू नहीं देख रही है। जेडीयू राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन तो हो गया है लेकिन उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है, और बीजेपी ये चाह रही है कि अगर इसको रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है तो मजबूरन कुशवाहा जी को जेडीयू या फिर बीजेपी के टिकट से लड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि 15 मई 2023 को जो लिस्ट जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, बिहार के स्टेट पार्टियों का लिस्ट यानी कि राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं, उस लिस्ट के अंदर आप आश्चर्य करेंगे लेकिन जो पार्टी जेडीयू के अंदर 2021 में ही मार्च 14 2023 को मर्ज हो चुकी थी, वो पार्टी अभी भी इलेक्शन कमीशन की नज़र में स्टेट लेवल की पार्टी के रूप में एग्जिस्ट कर रही है। और वो है, आप इसमें देख सकते हैं कि बिहार से टोटल 5 स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, उसमें से जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह सेलिंग फैन है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML, CPI और CPM भी स्टेट लेवल की पार्टियां नहीं है बिहार के अंदर, ये पकड़ने की बात है। लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को अभी भी मिला हुआ है स्टेट लेवल की पार्टी, और ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है अभी भी। तो अगर ये ऐसा होता है कि अगर राष्ट्रीय लोक समता लोक जनता दल को रिकॉग्नाइजेशन नहीं देती है चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, और बीजेपी ये सोच के नहीं देगी अगर उनको रिकॉग्नाइजेशन कि उन्हें मजबूरन लड़ना पड़ेगा बीजेपी से या जेडीयू से, तो शायद ये वो मुगालत में है क्योंकि उनकी जो पुरानी पार्टी है जो आज से लगभग 3 साल पहले जेडीयू में मर्ज हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन की नज़र में अभी भी वो पार्टी जिंदा है, और जिंदा ही नहीं स्टेट लेवल की पार्टी है। तो इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के टिकट से भी चुनाव लड़ सकते हैं कुशवाहा जी। और बीजेपी अगर इस मुगालते में है कि उनको मजबूरन बीजेपी या जेडीयू से लड़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो पुरानी पार्टी थी कुशवाहा जी के, उनके एक नेता का ये भी शक है कि अगर वो हमारे पार्टी को, जो नई पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, अगर उसको रिकॉग्नाइजेशन देने में इतनी देरी कर रहे हैं, कोताही कर रहे हैं, इतना डिले कर रहे हैं या नहीं देते हैं चुनाव से पहले, तो ये भी तो हो सकता है कि ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिनको इन्होंने 3 साल पहले मर्ज कर दिया है, वो अगले नोटिफिकेशन में इसे ये पार्टी को डीनोटिफाइड कर दें या इस पार्टी को के रिकॉग्नाइजेशन को ख़त्म कर दें, तो वो हो सकता है। लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल का होगा और वो होने के बाद फिर क्या रिएक्शन होगा कुशवाहा जी का, ये अलग सवाल है। अब इसके अलावा आप ये सोच सकते हैं कि चूंकि और भी एक कैटेगरी होता है स्टेट लेवल की पार्टी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, अनरिकॉग्नाइज्ड लेकिन इनएक्टिव पार्टी में लोग राष्ट्रीय जनता दल का नाम हो, तो ये हमारे पास जो लिस्ट है, और ये लिस्ट जारी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही 27 अक्टूबर 2023 को। इसके अंदर बिहार के जितने भी ऐसी पार्टियां जो अनरिकॉग्नाइज्ड है लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है, उसका है, पार्टी का एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसके इस लिस्ट के अंदर भी आपको राष्ट्रीय लोक समता लोक जनता दल का, जो कि पिछले साल 2023 में कुशवाहा जी ने बनाया था, उसमें इसका नाम नहीं मिलेगा। ये इनएक्टिव पार्टियां के लिस्ट में आपको भोजपुरिया जन मोर्चा जैसे पार्टियों का नाम मिल जाएगा, इसमें आपको जनतंत्र आवाज़ पार्टी मिल जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्टी अभी पिछले साल ही प्रशांत किशोर जी ने बनाया है जन स्वराज पार्टी,
वो पार्टी भी इस लिस्ट में है, 50वें नंबर पे आप देखिएगा तो जन स्वराज पार्टी है और ये रिकॉग्नाइज्ड किया गया, इसके एड्रेस दिया हुआ है सूट नंबर 2 जो कि प्रशांत किशोर जी का घर है, फर्स्ट फ्लोर दक्षिणेश्वर बिल्डिंग 10 हेली रोड न्यू दिल्ली 1। तो जो पार्टी पिछले साल बनी ही है, इसी टाइम पे बनी थी, जिस समय जन स्वराज बनी है उससे पहले ही बन गई है लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसके बावजूद जन स्वराज पार्टी को इस लिस्ट में नाम जगह दिया गया है लेकिन राष्ट्रीय लोक जनता दल को इस लिस्ट में जगह नहीं दिया गया है। और इसके पीछे मकसद को आप समझ सकते हैं कि क्यों अभी तक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिस्ट में भी नाम नहीं है RLJD की, कुशवाहा जी की जो पार्टी है। तो ये जो मुगालते में रहना चाहती है BJP कि उनको मजबूरन लड़ना पड़ेगा कुशवाहा जी को BJP या JDU से, तो उनके पास इस डॉक्यूमेंट के आधार पे हम कह सकते हैं उनके पास एक रास्ता और भी है और वो रास्ता पड़ा हुआ है स्टेट लेवल की पार्टी जो उनकी पुरानी पार्टी है उससे भी लड़ सकते हैं। क्या होगा वास्तविकता में ये तो समय बताएगा, लेकिन आज के इस एपिसोड को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।